बायोलॉजी के वो टॉपिक्स जिससे सबको बहुत डर लगता है उसके बारे में सोचते ही सबके पसीने छूटने लगते हैं वो है डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और इसमें भी एग्जांपल्स जो कभी याद होते ही नहीं है सो so, आज इस वीडियो में मैं आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ एक गाइस एनिमल किंगडम्स के सारे एग्जांपल्स नेक्स्ट टेन मिनट्स में याद कर लेंगे सो so, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप लोग को ये हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसका इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ सन एवरी डे। यूनिवर्सल ट्रुथ है ना हर किसी को बताया सन शाइन्स डे। सो सन का एस इज फॉर साइकन, शाइन्स का एस इज फॉर स्पॉन्जिला एवरी डे इज यू स्पॉन्ज सो यूनिवर्सल तो, तो सबको याद रहता है सनशाइन एवरीडे एंड द एग्जाम्पल्स यू नाउ नो नेक्स्ट इज एरिया एंड इसका ट्रिक इज इस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों ने पीटर पैन कार्टून या उसकी नॉवल तो पढ़ी ही होगी याद है उसमें पीटर पैन के पास एक एबिलिटी थी क्या एबिलिटी थी उड़ने की पीटर पैन उड़ सकता था सो द ट्रिक इज पीटर पैन गॉट एबिलिटी टू फ्लाई इन मॉर्निंग पीटर का पी इज फॉर

और वो याद करना काफी सिंपल है हर किसी को पता है हर किसी के पास होगा अपना एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी। सो पी सी का पी स्टैंड फॉर प्लूरो सी फॉर टीनो प्लेना राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट निमोनिक नाउ प्लाटी हेलमें आप लोगों ने डेरी मिल्क का वाला एड देखा होगा जिसमें अमिताभ बच्चन आते थे और वह कहते थे पप्पू पास हो गया पप्पू पास हो गया मुंह मीठा करो वाला एक डेरी मिल्क देना कुछ मीठा हो जाए कारी 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 अरे भाई साहब पैसे तो पप्पू देगा पप्पू पास हो गया पास हो गया बस ये निमोनिक उसका थोड़ा सा उल्टा है सो द निमोनिक पप्पू टप्पू फिर टेस्ट फेल हो गया उसमें पास होने की बात यहां पर हम फेल होने की बात कर रहे हैं पप्पू टप्पू फिर टेस्ट फेल हो गया पप्पू का पी इज फॉर प्लेनेरिया टप्पू का टी इज फॉर टीनिया फिर का एफ इज फॉर फेशियोला अब टीनिया और फेशियोला के कॉमन नेम्स भी याद करने सो टेस्ट का टी इज फॉर टेप वॉर्म विच इज द कॉमन नेम ऑफ टीनिया फेल का एफ इज फॉर फ्लूक लिवर फ्लूक विच इज द कॉमन नेम ऑफ फेशियोला डन इजी Now let's move to the next one and this one is very very interesting और ये mnemonics आपको Ask Helmenties याद रखने में help करेगा Most of us most of us are big fans of Harry Potter right Harry Potter सबने देखी है पूरी series सबको बहुत पसंद है so उसमें character Ron का जो सबको ही पता है Harry Potter का best friend so just imagine a situation जो कि hogwarts में आ गई है and the situation is कि hogwarts के बहुत सारे students are missing है many students of hogwarts are missing So to solve that mystery, Harry ne Ron ko as a detective, as an agent assigned kiya And Harry very confidently says this: Agent Ron will find all Hogwarts students, jo bhi missing hai. Agent Ron will find all Hogwarts students. Agent ka A is for Ascaris, aur uska common name is Ron ka R, that is Roundworm. Will ka W is for Vucheria, find ka F is for filarial worm or filaria which is the common name of each find all uh, hogwarts students all ka A is for ancyclostoma and uska common name H ka hogwarts would be hook warm. so agent ron will find all hogwarts students jo be missing hai. fine easy जो कि आप लोग जब नीट एग्जाम देंगे या कोई भी देंगे उसमें हम सब सुनते हैं जो कि हमारा इन्विजिलेटर कहता है नो पर्सन शुड एग्जिट एग्जाम हॉल बिफोर टाइम सो अगर तीन घंटे का पेपर है तो ऑब्वियसली तीन घंटे से पहले किसी को निकलने नहीं, नहीं देते राइट सो नो पर्सन शुड एग्जिट एग्जाम हॉल बिफोर टाइम सो नो पर्सन का एन इज फॉर नेरियस person ka P is for Ferritima, should exit ka E is for Earthworm, exam hall ka H is for Hirudinaria, before time ka B is Blood Sucking Leech. So, no person should exit exam hall before time. Easy? Let's move to the next phylum now and that is your अब आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल याद करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। मैंने आप लोग के लिए सुपर हीरोपर हीरो के फैंस है आप लोगों ने अवेंजर्स पार्ट वन तो देखी ही होगी और उसमें एलियंस ने घर अटैक किया था न्यूयॉर्क में अटैक किया था राइट सो जस्ट फॉर अ सेकेंड थिंक एलियंस ने अटैक न्यूयॉर्क में नहीं किया था और लुधियाना में किया था इन in इंडिया लुधियाना में एल एलियंस ने अटैक किया था निस इज ग और वहां पे हमारे सारे के सारे सुपर हीरोज नॉट जस्ट ऑफ मार्वल सुपर हीरो बल्कि हमारे डीसी वर्ल्ड की भी एक दो सुपर हीरोज आके लड़ रहे थे अगेंस्ट द एलियंस सो द निमोनिक गोज लाइक दिस अवेंजर्स बैटमैन लॉकी और कैप्टन अमेरिका लुधियाना में लड़ेंगे फाइन अवेंजर्स बैटमैन लॉकी और कैप्टन अमेरिका लुधियाना में लड़ेंगे अवेंजर्स का ए इज फॉर एपिस बैटमैन का बी इज फॉर बॉम्बिक्स लोकी का एल इज फॉर का एज फॉर एनोफिलस कैप्टन अमेरिका का सी इज फॉर क्यूलेक्स अमेरिका का ए इज फॉर एडिस लुधियाना में का एल इज फॉर लोकस्ट लड़ेंगे का एल इज फॉर योर लाइमिलस फाइन सो अवेंजर बैटमैन लोकी और कैप्टन अमेरिका लुधियाना में लड़ेंगे इजी इजी टू रिमेंबर राइट नेक्स्ट इज And ये जो है, वो हर कोई बहुत ज्यादा नहीं उठाता so, हम लोग इसके लिए स्टेप उठाने वाले हम लोग ये काम करने वाले सो नेक्स्ट निमोनिक गोज लाइक दिस पीपल ऑफ पैरिस सेव लाइट और करंट ऑन ऑल डेज पीपल ऑफ पैरिस सेव लाइट और करंट ऑन ऑल डेज पीपल का पी इज फॉर पाइला पैरिस का पी इज फॉर पिंक एस इज फॉर सीपी लाइट का एल इज फॉर लॉलिगो करेंट सी इज फॉर केटोपल्यूरा ऑन का ओ इज फॉर ऑक्टोपिस ऑल डेज का ए इज फॉर एफलाइसिया एंड डेज का डी इज फॉर डेंटेलियन सो पीपल ऑफ पैरिस सेव लाइट और करेंट ऑन ऑल देस और इससे आपके सारे के सारे एग्जाम्पल ऑफ मोल नाउ लेट्स मूव टू दास्ट ट्रिकोनिकॉर एक बेस्ट दैट हेज मेड फॉर यू गाइज एंड इट्स अबाउट ऑगी एंड द काक्रोचे ऑगी एंड द काक्रोचेस इट्स अ वेरी पॉपुलर कार्टून आई होप आप लोगों ने देखा होगा वो कार्टून और अगर नहीं देखा दैन दिस निमोनिक इज फॉर यू After exams, watch Augie and Cockroaches. After exam, watch Augie and Cockroaches. So, after ka A is for Esteria. Exams ka E is for Echinus. Augie ka O is for Ofuria. And ka A is for Antidon. And cockroach ka C is for Cucumeria. Fine? आफ्टर एग्जाम्स वॉच ऑगी एंड कॉक्रोचेस नीट खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा टाइम है आप लोग के पास सो ऑगी एंड कॉक्रोचेस पक्का और ये निमोनिक अभी याद कर लीजिए आफ्टर एग्जाम्स वॉच ऑगी एंड थे हमारे सारे के सारे निमोनिक्स ऑफ एनिमल किंगडम इंटरेस्टिंग थे फनी थे याद रखने में आसान होंगे अगर आप लोग को ये निमोनिक्स हेल्पफुल लगे हो और इसकी वजह से आप एग्जाम्पल्स याद रख पा रहे हो ऑफ एनिमल किंगडम देन डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल और उन्हें भी बताइए कि एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स याद करना एक्चुअली उतने डिफिकल्ट नहीं है इफ यू फाइंड आउट सम ट्रिक्स फॉर योर सेल्फ जो की आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा हमारा एक फाइलम रह गया है दैट इज ऑफ कॉर्डेट्स जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सारे एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्डेट इन फाइव मिनट्स आप लोग को मैं याद करने में आसानी से हेल्प करूंगा सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज इफ यू आर न्यू आउट देयर अगर आप लोग को ऐसे निमोनिक्स वाले वीडियो चाहिए और अगर आपको इंटरेस्टिंग बनानी है अपनी बायोलॉजी की स्टडी देन डू गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एज वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो बाय